इसलिए तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। भाई सुंदर कौर, वो इंसान बदल भी तो जाता है। रापती साहब, तेरी एक गल ने मुझे बड़ा बदल दिया। हाँ, मेरा मन नहीं है गलत कामों में। दिल तो मेरा करता है कमाई के कंगड़ा जाके वापस कर दो, पर क्या करूं, जो हो गया मां उसे बदल नहीं सकता। हाँ, मां लोगों की गला विच आ गया सी कुड़िए। तू झूठ बोल रहा। ओए मुझे बड़ा तुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, है? मैं यहां जो जी चाहे कर सकता हूं, मुझे है कोई रोकने वाला? मां तुझे इज्जत से अपने घर में बिठाना चाहता हूं। ये मेरी सच्चाई का सबूत है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे पाकिस्तान जाना है। वो तुझे लगता है वहां तेरी बहुत हिफाजत होगी, है? तुझे लगता है तेरे लाहौर और पिंडी के मुस्लिम भाइयों ने वो सिख लड़कियों को हथेली पे बिठा के सरहद पार कराई होगी? नहीं, और फिर भी मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं तुझे पाकिस्तान छोड़कर आऊंगा। तू झूठ बोल रहा, ये नहीं हो सकता। वही सुंदर कौर, मेरी आंखों में आंखें डाल के देख, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं होता? तेरी आंखों में तो मुझे खून की लाली दिखाई देती, तुझ पे मैं कैसे भरोसा करूं? मुझ पे भरोसा करने के अलावा तेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं? चलना तो तुझे मेरे साथ ही होगा। चल। साली हराम दी, वो इतनी मिन्नत तो बेबे मुझे कभी तेरी नहीं करनी पड़ी, वो जितनी मुझे उसकी करनी पड़ी है। तो ना करता, किसने कहा था तुझे? ओ बेबे कैसे ना करता, मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, वो बहन की बरात रुकी हुई है मेरी। जी तो कर रहा था मेरे को मैं उसको टोटे टोटे काटू, पर क्या करता बेबे, वाहेगुरु का वचन लिया मैंने उससे, तू देखना मैं उसे सिख बनाऊंगा और खुद चल के आएगी मेरे पास अमृत चखने। अब कुछ मुझे उसका दिमाग ठीक लगता है। कैसे ना हो बेबे ठीक, वो मेरा मुंह सूख गया उससे मिन्नत करते करते। हाँ तू देखना मैं उसे बदल के ही रहूंगा। अब बेबे मुस्कुरा दे थोड़ा सा। अब बेबे, ओ बेबे, आए बेबे तेरी मुस्कान। चलो ना अम्मा, जो मेरा नया वाला कुर्ता शलवार है वो जरा ले आए। कहीं जा रहे हो? कपड़े बदलने? नहीं अम्मा, वो दफ्तर में एक नया लड़का आया, उसके पास कपड़े नहीं है, उसको चाहिए। अरे तो कोई पुराना जोड़ा दे दो ना, ये तो अभी सिलकर आया है। अम्मा ऐसे मत कहिए, वो महाजिर लोग हैं, यहाँ पे सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के आए, अब अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, रुको दो मिनट, मैं अपने कुछ कपड़े और अनाज भी लेकर आई हूँ।